सो हेलो माई टू फैमिली, वेलकम करते हैं आप सभी का स्टार गेमर्स पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को बताए, 23 तारीख के दिन आपको फ्री फायर की तरफ से 26 कैरेक्टर बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। और आपको क्या करना पड़ेगा, 26 तारीख के दिन आपको उनमें से एक कैरेक्टर को चूज़ करना है और वहाँ पे एक कैरेक्टर आप लोग बिल्कुल परमानेंटली ले सकते हो। लेकिन गाइस, यहाँ पर बहुत सारे बंदे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि उनको जो है कौन सा कैरेक्टर लेना चाहिए। और इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है मेरे चैनल पर, लेकिन वहाँ पर जो डिमांड चल रहा है चार कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक है अल्वारो, दूसरे कपिला और एक A124 और जोटा। ये चारों के मतलब अभी कंपटीशन चल रहे हैं, कौन मतलब इन चारों में से कौन जीतता है उसको वो लेंगे, ठीक है। तो गाइस, मतलब अभी ज़्यादा कैरेक्टर के बारे में, वो तो बेकार से कैरेक्टर है, जो जोसेप वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, नोटोरा फोटोरा, तो वो सब कैरेक्टर मतलब अभी कुछ खास नहीं चल रहा है। अभी वो मतलब देखना चाहते हैं भाई, बंदे लोग पूछना चाहते हैं भाई जो है चार कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर अच्छा है, कपिला, जोटा, A124, अल्वारो, इन चारों में से कौन सा अच्छा है। मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बताऊंगा, पूरा स्किल यूज करके लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, चलिए आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं कौन सा कैरेक्टर अच्छा है और कौन सा कैरेक्टर आपको लेना चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कपिला कैरेक्टर के बारे में। अगर इसकी स्किल की बात करें तो अगर आप लोग मेडिकेट लगा रहे होते हो तो आपको जो है 10% HP एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब अगर आप लोग मेडिकेट लगा रहे हो, 50% जो है HP मिलने का था, लेकिन आपको 60% HP मिलेगा, यहाँ पे 10% जो इसका बढ़ जाएगा। और अगर आपका कोई टीममेट नोक है तो उसका हेल्थ जो है धीरे धीरे जाएगा, ये मैंने अगले वीडियो में भी बताया था, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस, बताने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बिना कपिला के मैं यहाँ पे मेडिकेट यूज कर रहा हूं और मेरा जो है 113% जो HP था और यहां पे बढ़ के हो गया है कितना, 188%, मतलब कि 188 हो गया है। और यहां पे मैं कपिला के साथ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, देखो मेरे 19% यहाँ पे HP है और मैंने यहाँ पे मेडिकेट लगाया, वो भी एक मेडिकेट लगाया, और यहाँ पे मेरा HP बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 107, ठीक है। तो गाइस, ये मतलब यहीं पे आप लोग देख सकते हो, इसका मतलब कैरेक्टर का जो लेवल है अभी 5 है। और गाइस, ये अभी से आपको HP दे रही है 13% एक्स्ट्रा, मतलब कि ये लेवल 1 पे देगी कितना, 10% एक्स्ट्रा देगी, और लेवल 5 पे ये दे रही है 13%। और अगर आपका मैक्स लेवल कर लेते हो, इसका 8 लेवल कर लेते हो, तो आपको ये 20 HP देगी, बिल्कुल मतलब 20 HP आपको मिलेगा पर, मतलब मेडिकेट के मतलब 20 HP एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो गाइस, लास्ट में डिसाइड करेंगे कौन सा कैरेक्टर अच्छा है, अभी वो अगला कैरेक्टर दिखाते हैं आपको। सो गाइस, अब बात करते हैं उल्फ्रा कैरेक्टर के बारे में। उल्फ्रा कैरेक्टर की स्किल की बात करें तो ज़्यादा कुछ खास स्किल नहीं है, लेकिन ये बंदा बहुत हैंडसम है, मतलब वही कैरेक्टर बहुत मस्त दिख रहा है। अगर आप लोग DJ आलोक लेना चाहते तो इसके जगह ये ले सकते हो, लेकिन इसका स्किल आप लोग भूल जाओ, स्किल ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर आप लोग किसी को ग्रेनेड डालते हो या फिर कहीं पर लैंडमाइन लगा के आते हो या फिर कोई ग्रेनेड लंचर वेपन से किल करते हो, किसी को डैमेज देते हो, तो डैमेज बढ़ जाएगा और आपका जो रेंज होगा वो ग्रेनेड का और लैंडमाइन का, जो भी आप लोग जिससे मारना चाहते हो, तो वो उसका जो रेंज बढ़ जाएगा और उसका डैमेज बढ़ जाएगा, बस इतना है। मतलब ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, कोई भी ग्रेनेड से खेलता नहीं है ज़्यादातर, तो ये ज़्यादा खास नहीं है। अगर आप लोग इसका शकल देख के लेना चाहते हो, बहुत ही अच्छा लुक है इसका, मतलब DJ आलोक के मतलब जैसा ही है, मतलब DJ आलोक बहुत हैंडसम है, उसके नीचे में ये आता है, उसके बाद में ये कैरेक्टर आता है जो कि हैंडसम है, ठीक है। और अगर आप लोग लेना चाहते हो, बस इसको हैंडसम से देख के लेना चाहते हो तो ले लो। अगर आप लोग स्किल को देख के लेना चाहते हो मतलब, और भी कैरेक्टर है, उसकी स्किल को आप लोग बताता हूँ उसका क्या है, ठीक है। सो गाइस, अब बात करते हैं जोटा कैरेक्टर के बारे में। जोटा कैरेक्टर जो आपको फ्री में मिल रहा है, गलती से फ्री फायर ने दे दिया भाई, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा कैरेक्टर, आप लोग ऐसे समझोगे नहीं। मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाता हूँ कैसा ये स्किल इसका काम करता है, मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं एक बंदे को यहाँ पर डैमेज दे रहा हूँ और ऊपर से किसी ने मारा मुझे, और यहाँ पर मेरा HP कम गया और अचानक से बढ़ गया। देखो, मैंने जैसे किल किया, मेरा अचानक से HP बढ़ गया, वो भी कितना बढ़ा, 40%। कैसे बड़ा, मैं गाइस आपको बताता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे इसको किल कर रहा हूँ, देखो डैमेज दे रहा हूँ, ऊपर से मुझे मारा किसी ने, वो ऊपर के साइड से, और यहाँ पे मेरा अचानक बढ़ गया। देखो देखो, ध्यान से देखो, ये देखो कितना, 35 था और 75 हो गया, देखो कितना जल्दी हो गया, मतलब कि ये किसका कमाल है, मैं आपको बताता हूँ। जोटा जो कैरेक्टर है, आप लोग देख सकते हो, ये जो कैरेक्टर है इसका मैक्स लेवल जब हो जाता है तो आप लोग को ये 40% HP जो है ज़्यादा देता है, एक्स्ट्रा देता है, ठीक है। मतलब इसका बहुत फ़ायदा है गाइस, बहुत फ़ायदा है। आप लोग अचानक से मार रहे होगे ना, तो बस आपका अचानक से ही बढ़ जाएगा, मेडिकेट लगाओगे कितना बढ़ेगा, 75% या फिर 80% बढ़ेगा, वो भी आप लोग कहीं पर रुक के मेडिकेट लगाओगे। पर यहाँ पर अगर आप लोग जोटा का स्किल लेके खेलते हो तो गाइस आपका अचानक से बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने अगर किसी बंदे से फाइट लिया तो वो
आपको डैमेज देगा और आप उसको मार दोगे तो आप लोग का जो है जितना भी उसने डैमेज दिया होगा वो मतलब फुल हो जाएगा एचपी से, ठीक है। मतलब ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर, मैं इसीलिए सबसे पहले बोलता आ रहा हूँ, सबसे पहले जब आया था 26 कैरेक्टर मिल रहे थे, मैंने बोला था वहाँ पे जोटा ही लेना, लेकिन बहुत सारे बंदे कन्फ्यूज हो रहे थे इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। ये मतलब कितना अच्छा है देखो, और ये मतलब कौन से गन से होगा मैं बता देता हूँ, एसएमजी गन और शॉर्ट गन जो होते हैं ना, एसएमजी MP40 और भी जितने भी एसएमजी के गन है उससे मतलब बढ़ेगा, उससे अगर आप लोग किल करते हो या फिर आप लोग शॉर्ट गन से अगर किल करते हो तो आपका बढ़ेगा। मतलब शॉर्ट रेंज में ये बहुत ही फायदेमंद मतलब ये हो जाता है ये कैरेक्टर, और आपको यहाँ पे क्लैश स्क्वाड खेलने में बहुत ही हेल्प होगा बहुत। और अगर आप लोग ट्रेनिंग खेलते हो, ट्रेनिंग में तो भाई साहब बहुत मजा आता है, मैं इसको यूज करता हूँ और बहुत मजा है भाई साहब, मजा ही मजा है ट्रेनिंग में तो। सो गाइस अब बात करते हैं A124 के बारे में, ये कैरेक्टर जो एक फीमेल कैरेक्टर है और इसके बारे में मैंने बताना भूल गया था अगली वीडियो में, भाई साहब भर भर के कमेंट आ रहे हैं A124 के बारे में क्यों नहीं बताया, A124 के बारे में क्यों नहीं बताया। गाइस आज के वीडियो में हम लोग बता देंगे इसका स्किल कैसे काम करता है लाइफ प्रूफ के साथ, आप लोग देखो इसका स्किल कैसे काम करता है। सो गाइस इसका स्किल जो एक्टिव स्किल है डीजे आलोक की तरह, और मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं लेकिन यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पे मेरे पास मशरूम ही नहीं है, यहां पे मशरूम होगा तभी इसको मशरूम को कन्वर्ट कर सकते हो एचपी में। यहाँ पे मेरे पास इनहेलर है, मैं यहाँ पे इनहेलर लगा लिया और यहाँ पे देखो गाइस मैंने जैसे ही क्लिक किया और यहाँ पे मेरा अचानक से जो है एचपी बढ़ गया। सो गाइस इस कैरेक्टर का स्किल भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन गाइस एक ही कमजोरी है, अगर आपके पास ईपी नहीं होगा तो उसको एचपी में कन्वर्ट करोगे कैसे पहले मुझे ये बताओ। बहुत सारे बंदे बोलते हैं डीजे आलोक की छोटी बहन है, कोई बोलते हैं डीजे आलोक की गर्लफ्रेंड है, भाई ये सब मतलब क्या लगा रखा है भाई ये। अगर आपके पास मशरूम होगा तभी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एचपी, मतलब तो जो तुम्हारा हेल्थ होता है उस पर आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास ईपी ही नहीं होगा तो एचपी पे कन्वर्ट कैसे करोगे भाई। इसका जो स्किल है पूरा का पूरा डिपेंड करता है मशरूम के ऊपर, अगर आपके पास मशरूम होगा तो आप लोग उसको जो है कन्वर्ट कर सकते हो एचपी में, ठीक है। ये कैरेक्टर भी ज़्यादा कुछ मतलब खास नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब अच्छा है, अगर आपको पास इसको मतलब नहीं है ये, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग इसको ले सकते हो। और देखते हो गाइस कौन सा कैरेक्टर अच्छा है, मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ, आप लोगों को सबको मिसा के बता देता हूँ ये कौन सा कैरेक्टर इनमें से अच्छा था। सो गाइस इन चार कैरेक्टर में से मुझे जो कैरेक्टर अच्छा लगा वो है जोटा, आपको जो पसंद आए वो ले लेना, अगर आप लोग मेरी पसंद से लेना चाहते हो तो जोटा ले लेना, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। और मैंने आपको इसका स्किल भी यूज करके बता दिया कैसे ये काम करता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और गाइस और कुछ नहीं बोलना चाहता, अगर आपको लेना है तो ले लो, वरना आपको जो पसंद आता है ले लो, मैंने सारे कैरेक्टर का स्किल बता दिया। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और डीजे आलोक का गिव अवे चल रहा है अगले वीडियो पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ पे जाकर वीडियो देख लेना। और गाइस ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।